इस वीडियो में हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स की बात करने जाएंगे। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर कंप्रेस्ड एयर को एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम यूज में लिया जाता है आर्क को फिनिश करने के लिए, और इसीलिए इसका नाम कंप्रेस्ड एयर सर्किट ब्रेकर भी बोला जाता है। मेजॉरिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर्स जो हैं वो जो मेजर ये वाले जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हैं ये 110 केवी के बियॉन्ड ही यूज किए जाते हैं। मोस्टली 132 केवी के आसपास इनको यूज में लिया जाता है, मतलब हाई वोल्टेजेस के लिए इनका यूज होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर एयर को ही क्यों यूज में लिया जाता है, कोई और गैस को यूज में क्यों नहीं लेते हैं? तो इसका रीजन है सर, नाइट्रोजन जो है वो कोई खास एडवांटेज नहीं देती है एयर के मुकाबले, मतलब जितना काम एयर करती है उतना ही नाइट्रोजन करती है, इसलिए नाइट्रोजन को यूज में नहीं लेते हैं। एयर चीप होती है, एयर फ्री होती है, इसलिए एयर को यूज में लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीज होने के चांस होते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में नहीं लिया जाता है, एयर को यूज में लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बेस्ट गैस है किसी भी आर्क को कूल करने के लिए, मतलब कूलिंग प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड्रोजन की बेस्ट होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने के कारण से हाइड्रोजन को यूज़ में नहीं लिया जाता है। अगर कॉस्ट कोई फैक्टर नहीं है तो आप हाइड्रोजन यूज़ में लीजिए, बेशक यूज़ में लीजिए, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से एयर को ही एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर यूज़ में लेते हैं। डिफरेंस आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करूं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स की, तो इसके अंदर एक एयर रिजर्वॉयर लगा होता है जिसके अंदर कंप्रेस्ड एयर रखी जाती है। तो मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूं, ये जो थ्योरी है ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। देखिए, जो भी थ्योरी है ये आप यहां से कॉपी ना करें, मतलब वीडियो के थ्रू कॉपी ना करें। ये जो पूरे मेरे नोट्स हैं इनके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वेबसाइट पर, और वहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि पूरी रिटर्न मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वहाँ से बनाइए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा फिगर आपको सब स्टेशंस पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक एयर टैंक लगा होता है, इस टैंक के अंदर कंप्रेस्ड एयर रखी जाती है। यहाँ पर एयर वॉल्व लगा होता है, उसके ऊपर हॉलो इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं, फिर यहाँ पर डबल आर्क एक्सटेंशन चैम्बर लगा है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस स्विचिंग करी होती है, यहाँ पर कनेक्शन फॉर करंट होता है। तो ये फिगर का कंस्ट्रक्शन हुआ। इसके बाद अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूँ तो वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला ही हूँ अभी, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाएं जब मैं आपको वर्किंग बताऊँ। तो एयर रिजर्वायर से एयर ऊपर जाती है, एयर का जो ब्लास्ट है वो ऊपर जाता है, हाई प्रेशर एयर ऊपर जाती है जब ये वॉल्व खुल जाता है। उसके बाद आर्क एक्सटेंशन चैम्बर के अंदर एयर भर जाती है, मूविंग कॉन्टैक्ट्स दूर होते हैं। ये डबल आर्क एक्सटेंशन चैम्बर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट लगा है और इधर दोनों तरफ मूविंग कॉन्टैक्ट्स लगे, मतलब दो कॉन्टैक्ट एक चैम्बर के अंदर लगे, इधर भी दो लगे इधर भी दो लगे, ये पूरी एक यूनिट है। तो जैसे ही एयर का ब्लास्ट ऊपर जाता है, ये जो आर्क एक्सटेंशन चैम्बर है ये पूरा एयर से भर जाता है, स्प्रिंग प्रेशर जो कि मूविंग कॉन्टैक्ट पर लगा होता है वो भी आपको समझ में आएगा, मूविंग कॉन्टैक्ट पर जो स्प्रिंग प्रेशर लगा होता है वो वीक पड़ता है, वो मूविंग कॉन्टैक्ट दूर होने लगता है इस एयर प्रेशर की वजह से। तो जैसे ही वो दूर होता है वहां पर आर्क बनती है, आर्क बनने के साथ ही यहां पर जो है यहां पर कुछ होल्स होते हैं जो खुल जाते हैं, और यहाँ से जो एयर है वो फ्लो होती है और वो बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ निकल जाती है आर्किंग प्रोडक्ट्स को साथ में लेकर के। तो इस तरीके का कुछ फंक्शनिंग होती है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर, कुछ ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं इसकी वर्किंग की बात करता हूँ, तो ये जो मैंने अभी आपको वर्किंग बताई वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टाइप्स ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की, तो जनरली दो टाइप के एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होते हैं, पहला होता है एक्सियल ब्लास्ट टाइप, दूसरा होता है क्रॉस ब्लास्ट टाइप। एक्सियल ब्लास्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, लेकिन जो एयर का ब्लास्ट है वो किस डायरेक्शन में दिया जाएगा ये डिसाइड करता है दोनों ही टाइप्स को। एक के अंदर एक्सियल ब्लास्ट होता है, एक के अंदर क्रॉस ब्लास्ट होता है। एक्सियल ब्लास्ट का मतलब है कि अगर आपकी आर्क इधर बन रही है, यही बनेगी, ये जब मूविंग कॉन्टैक्ट दूर होगा, पहले दोनों साथ में है, जैसे ही दोनों साथ में तब तक
करंट जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे फॉल्ट आया तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट दूर होगा, जैसे ही दूर होगा यहाँ पर आर्क बनेगी, आर्क बनने के साथ ही एयर का ब्लास्ट इधर से दिया जाएगा, तो इस तरीके से एयर का ब्लास्ट आएगा तो वो कैसे काम करेगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। क्रॉस ब्लास्ट के अंदर क्या होता है, जो एयर का ब्लास्ट है तो यहाँ पर अगर आपकी आर्क बनी तो वो इस तरीके से ना होके इस तरीके से होता है, मतलब नीचे से ब्लास्ट दिया जाएगा तो ये आर्क ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगी। तो ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ, इन सब की थ्योरी मैं आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड कराऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर, इसका कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश कीजिएगा पहले, फिर मैं आपको वर्किंग समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर एयर रिजर्वायर लगा, यहाँ पर एयर वॉल्व लगा, ये एयर वॉल्व तब खुलता है जब कोई ट्रिपिंग इम्पल्स आता है, मतलब जब कोई फॉल्ट आता है तब ये एयर वॉल्व यहाँ से खुल जाता है। यहाँ पर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट लगा है, इधर मूविंग कॉन्टैक्ट लगा है, मूविंग कॉन्टैक्ट जो है ये यहाँ नहीं लगा होता, ये यहाँ पर लगा है, इनिशियली कंडीशन में ये मूविंग कॉन्टैक्ट यहाँ पर लगा होता है, ये फॉल्ट आने के बाद की सिचुएशन मैंने यहाँ पर बना रखी है, तो पहले यहाँ लगा होता है उसके बाद पीछे होता है। तो ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये स्प्रिंग प्रेशर के साथ रुका हुआ है, यहाँ पर स्प्रिंग्स लगी हैं जो स्प्रिंग इस मूविंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पर रोक के रखती हैं, ठीक है। यहाँ पर सीरीज आइसोलेटर लगा है, ये अपना आर्किंग चैम्बर है। यहाँ तक क्लियर है, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया, इसके बाद वर्किंग की हम बात करते हैं। तो एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर जब कोई ट्रिपिंग इम्पल्स आया, जब कोई फॉल्ट आता है तो एयर वॉल्व खुलता है, यहाँ से जो एयर है वो ऊपर की ओर जाती है, इस आर्किंग चैम्बर के अंदर भर जाती है। अभी यहाँ पर क्लोज्ड है ये मूविंग कॉन्टैक्ट, क्लोज्ड है, अब यहाँ पर एयर भर चुकी है। एयर भरने के साथ ही क्या होता है कि ये जो एयर का ब्लास्ट था, एयर जो प्रेशर थी, ये इस मूविंग कॉन्टैक्ट पर प्रेशर बनाती है, इसको पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिंग प्रेशर लगा है तो इतना आसानी से पीछे नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे पीछे होता है। तो वो धीरे धीरे जब पीछे होता है तो यहाँ पर एक आर्क डेवलप हो जाती है, तो इस जगह एक आर्क बन जाती है। जैसे यहाँ पर एक आर्क बनती है, ये जो एयर ब्लास्ट है ये उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। अब ये मूविंग कॉन्टैक्ट पीछे हो गया तो ये आर्क की लेंथ बढ़ गई थोड़ी सी, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो है ओपनिंग आती है तो एटमॉस्फेयर में ये एयर का ब्लास्ट उस आर्क को ले जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जो आर्क बनी है इसका कुछ लेंथ होता है और कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि जो एयर का ब्लास्ट आया, ये एयर का ब्लास्ट आप यहाँ से देखिए, तो ये जो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका आर्क बना, अब ये जो आर्क बना ये एयर का ब्लास्ट इसको कम करने की कोशिश नहीं करेगा क्या? यहाँ पर इसको जैसे ही ये कम करेगा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ये कम करेगा, तो आपका ये रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। अगर ये आपका कम हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ पाथ, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस पाथ के इंक्रीज होगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का इंक्रीज होने का मतलब है कि करंट का फ्लो कम हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। तो जैसे ही करंट का फ्लो वीक होगा आर्क वीक हो जाएगी, आर्क वीक होगी साथ ही साथ जो आर्क को ले जाने की कोशिश कर रहा है ये बाहर, तो आर्किंग प्रोडक्ट्स को एटमॉस्फेयर में ले जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से आर्क फिनिश हो जाएगी, कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर काम करता है। जैसे ही आर्क खत्म होगी सीरीज आइसोलेटर को ओपन कर दिया जाता है, इसको ओपन करने से क्या होगा वोल्टेज क्लियरेंस मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो लेंथ होती है ये बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 1.75 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स लेंथ होती है, तो यहाँ पर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का खतरा रहता है, दोबारा से आर्क बन सकती है, तो इसलिए यहाँ पर इसको वोल्टेज क्लियरेंस देना जरूरी हो जाता है कम लेंथ के वजह से। एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर जो है ये बहुत फ्रिक्वेंटली ऑपरेट होते हैं, बहुत कम लेंथ में ही ऑपरेट कर देते हैं। जैसा कि हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर में देखा था तो उसके अंदर लेंथ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, लेंथ इंक्रीज बहुत देर तक होती है फिर जाकर आर्क क्वेंच होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, बहुत कम लेंथ में ही आर्क को क्वेंच कर दिया जाता है। तो ये एक्सियल ब्लास्ट टाइप की क्वालिटी है। इसके बाद अगर मैं क्रॉस ब्लास्ट की बात करूं तो यहां पर जो है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, मूविंग, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है,
तो जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से दूर होने की कोशिश करता है, यहाँ पर एक आर्क बनती है। तो अगर मैं यहाँ पर आर्क की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आर्क कुछ यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आर्क बनी, अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस ब्लास्ट कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एयर का ब्लास्ट दे रहे हैं। तो ये एयर का ब्लास्ट इस आर्क के पास जाएगा और इस आर्क को इस पोजीशन में नहीं रहने देगा, वो इस तरीके से इसको बना देगा। तो वो आर्क कुछ ऐसे ऐसे बनते बनते यहां पर आ जाएगी। तो ये आपकी फाइनल आर्क आ गई, ठीक है। जैसे ही यहां पर आई, यहां पर आपने क्या लगा रखा है, आर्क स्प्लिटर्स लगा रखे हैं। ये तीनों आर्क स्प्लिटर्स हैं और ये दोनों बैफल्स हैं। आर्क स्प्लिटर जो है वो आर्क को स्प्लिट करने का काम करते हैं, मतलब आर्क को स्प्लिट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। बैफल्स जो है वो कूलिंग के लिए काम आते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो आर्क है यह फाइनली इधर आ जाएगी, आर्क स्प्लिटर से स्प्लिट हो जाएगी। तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, आर्क की लेंथ बढ़ चुकी है आर्क स्प्लिटर्स की वजह से। एयर का फ्लूड लगातार इधर जा रहा है, आर्क वीक होती जा रही है, अब आर्क की लेंथ बढ़ गई। तो फिर से आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जैसे ही आपकी लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम बढ़ गई। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ते ही, आपकी रेजिस्टेंस बढ़ते ही करंट खत्म हो जाएगा। करंट का होने का मतलब है कि आर्क फिनिश हो जाएगी। आर्क फिनिश होने के बाद जो आर्किंग प्रोडक्ट्स वहां पर बने, उनको ये एयर ब्लास्ट बाहर ले जाता है एटमॉस्फेयर की तरफ। तो आर्किंग प्रोडक्ट्स को खत्म कर दिया गया, आर्क खत्म हो गई। यहां पर जो लेंथ है वो इतनी कम नहीं होती है जितनी एक्सियल ब्लास्ट में, यहां पर एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ लेंथ होती है। इसी वजह से यहां पर सीरीज आइसोलेटर यूज में नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहां पर वोल्टेज रीस्ट्राइकिंग का खतरा नहीं देखा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं एडवांटेजेस की बात करता हूं, तो रिस्क ऑफ फायर इज एलिमिनेटेड, मतलब यहां पर कोई रिस्क रहता ही नहीं, क्योंकि आर्किंग प्रोडक्ट्स आपके एटमॉस्फेयर में जा चुके हैं, आर्क फिनिश हो चुकी है। तो फायर का रिस्क क्यों होगा, वो तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में होता था, क्योंकि वहां पर जो आर्किंग प्रोडक्ट्स थे वो ऑयल के अंदर ही रह जाते थे, ऑयल की क्वालिटी को खराब करते थे, इसीलिए आपको ऑयल को भी चेंज करना होता था कुछ ऑपरेशंस के बाद। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक बार एयर का ब्लास्ट आया, वो आर्किंग प्रोडक्ट्स को ले गया, खत्म बात। फिर दोबारा फॉल्ट आया, फिर दोबारा एयर का ब्लास्ट आएगा, फिर आर्क खत्म हो जाएगी, ऐसे बार बार ऑपरेशन यहां पर चलता है। हाई स्पीड ऑपरेशन इज अचीव्ड, यहाँ पर हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन अचीव कर लिया जाता है। द आर्किंग प्रोडक्ट्स आर कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द ब्लास्ट, यही बात मैंने अभी आपको बताई। एक जो मेन बात है वो है कि जो आर्क बनती है वो बहुत कम देर के लिए बनती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर जो आर्क बनती है उसका टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, उनकी जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, वो कम डिटेरियोरेट होती है। तो इसी वजह से बर्निंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स नहीं होता है, कम होता है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। ड्यू टू लेसर आर्क एनर्जी दीज ब्रेकर्स आर वेरी सुटेबल फॉर कंडीशन वेयर फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। आर्क एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि आर्क बनते ही एयर का ब्लास्ट उसको वीक कर देता है, तो आर्क एनर्जी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आप फ्रिक्वेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो पाइप फिटिंग्स में पॉसिबिलिटी होती है कि एयर का लीकेज हो जाए, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, आपको चेक अच्छे से करना होता है। कंसिडरेबल मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, कंप्रेशर प्लांट जो है उसके मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। दीज ब्रेकर्स आर वेरी सेंसिटिव टू द वेरिएशंस इन द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, मैंने आपको बताया कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का खतरा रहता है, इसी वजह से एक्सियल ब्लास्ट में तो सीरीज आइसोलेटर हमने लगाया था। ड्यू टू फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इट इज नेसेसरी टू हैव अ कंप्रेशर विद सफिशियंट कैपेसिटी ऑफ हाई प्रेशर एयर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर आपकी एक ही डिमांड होती है बस, कि जो कंप्रेस्ड एयर है वो सफिशियंट अमाउंट में होनी चाहिए। तो जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है बस सफिशियंट कैपेसिटी होनी चाहिए कंप्रेशर प्लांट की। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये पूरी बात हुई एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स की। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हो, वहां पर बहुत अच्छे आपको नॉलेज मिलेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। टेलीग्राम पर मैं आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बुक्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है तो आप उसके सर्च बॉक्स में @इलेक्ट्रिकल पाठशाला सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए।
हमारे इंग्लिश चैनल पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर इंग्लिश में वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। टेलीग्राम पर जॉब अपडेट्स भी मैं देता हूँ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड होती हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे, तो इस वीडियो को आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा।